इस वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन साइफर पी बॉक्स पढ़ेंगे पी बॉक्स और द परम्यूटेशन बॉक्स किप्टोग्राफी में परम्यूटेशन बॉक्स या पी बॉक्स बिट्स को शफल करने का एक मेथड है बिट्स को शफल करना या ट्रांसपोज करना या परम्यूट करना मींस बिट्स की लोकेशन जो है वो चेंज होगी सब्सटीट्यूशन नहीं होगा जैसे कि एस बॉक्स में हमने पढ़ा था एस बॉक्स में सब्सटीट्यूट किया जाता है दूसरे कैरेक्टर्स को या बिट्स को बट परम्यूटेशन बॉक्स में बिट्स जो है परम्यूट होती हैं ट्रांसपोज होती हैं उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है शफलिंग कर देते हैं हम बिट्स की एस बॉक्स और पी बॉक्स के एग्जाम्पल्स हम एस और डी ई एस में देखेंगे आगे जो एस बॉक्स और पी बॉक्स का कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है ब्लॉक साइफर्स के कंस्ट्रक्शन में ब्लॉक साइफर्स क्या होती हैं कि लॉन्ग प्लेन टेक्स्ट है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा मींस छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा उन ब्लॉक्स पर जो है उनको हम एनक्रिप्ट करते हैं उन पर वर्क करते हैं सो दैट आर ब्लॉक साइफर्स पी बॉक्सेस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रेट परम्यूटेशन एक्सपेंशन परम्यूटेशन एंड कंप्रेशन परम्यूटेशन स्ट्रेट परम्यूटेशन दैट इज पी बॉक्स में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उतने ही आउटपुट्स होंगे देर आर फाइव बिट्स इनपुट में फाइव बिट्स जा रही हैं तो आउटपुट में भी फाइव बिट्स आएंगी उनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी एक्सपेंशन परम्यूटेशन में द नंबर ऑफ बिट्स एज इनपुट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ आउटपुट्स इनपुट में गई थ्री बिट्स और आउटपुट में आई फाइव बिट्स दिस इज एक्सपेंशन परम्यूटेशन थर्ड आता है कंप्रेशन पी बॉक्स कंप्रेशन में नंबर ऑफ बिट्स कंप्रेस हो जाएंगी मीन्स नंबर ऑफ बिट्स विल बी लेस नंबर ऑफ बिट्स एज आउटपुट विल बी लेस दैन द नंबर ऑफ बिट्स इन द इनपुट इसमें फाइव बिट्स इनपुट करी दिस इज पी बॉक्स ये पी बॉक्स है आपका और आउटपुट में आई थ्री बिट्स मीन्स कंप्रेस कर दिया हमने बिट्स को लेट्स ए सी एन एग्जाम्पल ये एक स्ट्रेट पी बॉक्स है इसमें फाइव बिट्स इनपुट गई सपोज आए के वन जीरो वन जीरो वन ये फाइव बिट्स इनपुट करें अब आउटपुट में भी फाइव बिट्स आएंगी बट उनका ऑर्डर जो है चेंज हो जाएगा की क्या है जनरली पी बॉक्सेस आर की लेस की लेस का क्या मतलब है कि बॉक्सेस के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि कौन सी बिट कहां पर जाएगी ये फर्स्ट uh, बिट जा रही है फोर्थ पोजीशन पर सेकंड बिट जा रही है फर्स्ट पोजीशन पर थर्ड बिट जा रही है फिफ्थ पोजीशन पर तो की तो है बट इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड सो पी बॉक्स आर की लेस फर्स्ट बिट कहां पर जाएगी अकोर्डिंग टू दिस की फर्स्ट बिट जा रही है फोर्थ पोजिशन पर तो so, सपोज मैं पोजिशन के लिए यहां पर डॉट्स लगा देती हूं सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड तो फोर्थ पोजिशन पर आई वन अकॉर्डिंग टू दिस की देन सेकेंड बिट जाएगी फर्स्ट पोजिशन पर तो सेकेंड बिट है हमारी जीरो जीरो विल कम टू हेयर देन थर्ड Bit jayegi 5th position but 3rd bit is 1. 1 will go here. Then the 4th bit is 0. 4th bit is going at position 3. So 4th bit will come here. That is 0. And 5th bit is moving to 2nd position. So the output will be zero one zero one one. This will happen in straight P box. लेट्स एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन पी बॉक्स ये हमारा पी बॉक्स है इसमें एक्सपेंशन में थ्री बिट्स uh, हमने इनपुट दी सपोज इफ आई गे वन जीरो इनपुट बिट्स हैं तो आउटपुट में क्या आएगा द फर्स्ट बिट इज मूविंग एट टू लोकेशन फर्स्ट एंड फोर्थ तो फर्स्ट पर इधर वन आ गई और फोर्थ पर आ गई वन देन सेकेंड बिट इज मूविंग टू

सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल वन जीरो वन वन जीरो दीज आर द इनपुट बिट्स तो आउटपुट बिट्स क्या होंगी अगर ये पी बॉक्स के थ्रू एंटर करेंगी तो पास करेंगी देन तो फर्स्ट इस केस में कंप्रेशन परम्यूटेशन में हमने फर्स्ट और फिफ्थ बिट को जो है डिस्कार्ड कर दिया है पी बॉक्स में फर्स्ट और फिफ्थ ये की सेट होती है ऑलरेडी तो फर्स्ट और फिफ्थ बिट जो है वो रिमूव कर दी है सेकेंड बिट जा रही है फर्स्ट पोजिशन पर तो जीरो विल कम हेयर देन थ्री वन विल कम हेयर और फोर आएगी इधर वन आएगा इधर फिफ्थ बिट डिस्कार्ड कर दी फर्स्ट बिट डिस्कार्ड कर दी तो आउटपुट आएगा जीरो वन वन कंप्रेशन पी बॉक्स में पी बॉक्सेस हम यूज करते हैं बिट्स को परम्यूट करने में परम्यूट या फिर आप कहिए शफल करने में बिट्स को हम शफल करते हैं पी बॉक्सेस के थ्रू अब शफल करने का पर्पस ये है कि सिर्फ सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए तो जब हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस होगा एल्गोर्दम होगी उस एल्गोर्दम में पी बॉक्सेस कई जगह यूज़ होंगे तो पी बॉक्सेस से क्या है सिर्फ बिट्स को शफल कर देते हैं जिससे कि डिफिकल्ट हो किसी भी हैकर के लिए डिक्रिप्ट करना मैसेज को तो पी बॉक्स और एस बॉक्स के एग्जाम्पल हम देखेंगे ई एस और डीई डी ई एस एलगोर्दम्स में एस बॉक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स